हेलो दर्शकों, मेरा नाम है दीपक मेहरा और आप देख रहे हैं डी मेहरा व्लॉग्स। तो ये मेरा पहला व्लॉग है, मेरा पहला व्लॉग शूट है। वो मैं दिल्ली से उत्तराखंड के लिए जाऊंगा। सुबह निकला है मुझे 4:30 बजे और अभी टाइम हो रहा है 12:30, लगभग 12:30 हो गए। और सुबह निकलना, हमको 4:30 बजे उठेंगे और हम मेरी सारी पैकिंग वैकिंग सब कुछ मैंने कर लिया। तो सब कुछ मैंने सब कुछ रेडी हो गया। एक दो दो बैग और एक साइड बैग मैंने तैयार कर लिया है बाइक में जाने के लिए। तो ये जो मैं पहला व्लॉग है, मैं सीधा बाइक से स्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है। हम अभी निकले हैं, टाइम हो रहा है अभी 6:37 पे। हम अभी निकले हैं। हम सुबह सोच रहे थे कि सुबह निकल जाएंगे 4-5 बजे तक। हमारी रात में, हम रात में ज़्यादा पैकिंग वैकिंग करने पर रह गए, तो इसीलिए हमारी सुबह आँख नहीं खुल पाई जल्दी। नहीं तो हमारा विचार था सुबह 6 बजे निकलने, सुबह सॉरी सुबह 4 बजे निकलने का हमारा विचार था। हम थोड़ा लेट ही निकल पाए, हम क्योंकि हमारी सुबह आँख नहीं खुली इसी चक्कर पे। तो अब हम निकल चुके हैं अपने गांव की तरफ। सो गाइस, हम अभी पहुंच चुके हैं महामाया फ्लाईओवर पे नोएडा से। और ये सामने आप देख रहे हैं सुपरनोवा की बिल्डिंग। ये सुपरनोवा का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पे आप ओखला बर्ड सेंचुरियन है। तो हम यहाँ से लेफ्ट की साइड लेंगे। तो हम यहाँ से थोड़ा पेट्रोल भरवाते हैं, हमारे क्योंकि हमारी बाइक में अभी बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 30 किलोमीटर चल पाएगी। अब डलवाते हैं हम पेट्रोल। टंकी फुल कर दे रहा, तो हम टंकी फुल करवाते हैं। तो अभी पेट्रोल का प्राइस चल रहा है 101 101, आप देख सकते हैं। बस हमने भी 16 लीटर पेट्रोल डलवा लिया। ये पेट्रोल पंप थोड़ा अंदर है। अबे भाई, यहाँ बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे चल रहे यार, अजीब बंदे हैं। तो देख चुके हैं आप, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया हमारे साथ। मैं उन अंकल को बोल रहा था इस साइड आ जाओ, गलती हमारी भी है उनकी भी है, चलो कोई नहीं। और ये एक्सप्रेस वे है, नोएडा एक्सप्रेस वे। यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो चुका है ट्रक का, जो ट्रक पलट चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सुबह सुबह कुछ ना कुछ हो ही रहा है, मतलब क्या बताएं हम आपको। चले कोई नहीं, आप अब यहाँ से लेफ्ट टर्न है, जो कि नोएडा सेक्टर 62 से नेशनल 24 हाईवे की तरफ मिलता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम नेशनल हाईवे 24 की तरफ को मुड़ते हैं। ये है नेशनल हाईवे 24। यहाँ से हम पहुँचेंगे अपने हापुड की साइड को। हम चलते रहते हैं, अभी आप देख सकते हैं सामने का नज़ारा। ये नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए पहला फर्स्ट टाइम है जो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्या होता है। ये देख सकते हैं आप, मेरठ एक्सप्रेस वे यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ये वाला हम जो मेरे राइट में आप देख सकते हैं, ये वाला मेरे राइट में, यहाँ से अभी टोल लग नहीं रहा है, तो आप यहाँ से मेरठ जा सकते हैं, वो भी मात्र 30 मिनट में अपने नेक्स्ट ढाबे पे। तो क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो अभी कुछ खाने का मन कर रहा है मेरा बहुत ज़्यादा ही। और खाली पेट मुझसे ड्राइविंग होती नहीं है अच्छी वाली। ये देख सकते हैं काशीपुर 192, लखनऊ 478, अमरोहा 105। तो अभी 105 जाना है हमको यहाँ से। चलो मिलते हैं हम आपको ढाबे पे। हम थोड़ा सा आगे आ गए, ये ढाबा हमारे थोड़ा पीछे है।
बाबा पीछे रह गया हमारा, तो हम अभी चल रहे हैं ढाबे की साइड। तो ढाबा हमारा थोड़ा छूट चुका था पीछे, हम आ गए अपने ढाबे की साइड। मैं हमेशा इसी ढाबे पे आता हूँ। गाइस पराठा आ चुका हमारा, चलिए ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम शिव ढाबा से निकल चुके हैं, ये देखिए शिव ढाबा जी, ये जा रही है उत्तराखंड परिवहन, ये जा रही है हल्द्वानी नैनीताल की तरफ। इसका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। ये हमारा पहला टोल है, सॉरी पहला नहीं दूसरा टोल है, जो कि मेरी बाइक के लिए, मेरी बाइक के लिए फ्री है ही है। ये हर एक प्रत्येक एक बाइक के लिए फ्री है, और मैंने ब्रेकर देखा नहीं। बाइकों के लिए ऑलमोस्ट सब जगह फ्री रहता है। ये गढ़मुक्तेश्वर का घंटा घर है, ये पुल का काम तब से पेंडिंग में ही है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। और अब ये देख सकते हैं मुक्तेश्वर गंगा नदी, हर हर गंगे। ये वाला पुल की बात कर रहा हूँ मैं, जो उसके बगल में पुल है, ये अभी तक बना ही नहीं है पुल, पता नहीं कब बनेगा ये पुल। आप देख सकते हैं मुरादाबाद है यहाँ से 63, नैनीताल है 206, लखनऊ है 405। लखनऊ का रास्ता ये भी है, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है। लखनऊ एक्सप्रेस वे से जाएंगे तो थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे, ये वाला रास्ता थोड़ा दूर पड़ जाता है। लेकिन मुझे मुरादाबाद से नहीं, इस बार मेरा रूट थोड़ा डाइवर्ट है, थोड़ा इस बार मैं मुरादाबाद से होके नहीं जाऊंगा, मुरादाबाद नैनीताल स्किप होगा इस बार। इस बार मुझे भी पता नहीं है, ये नया रास्ता है मेरे लिए। मैं भी इस रास्ते में बहुत सालों बाद जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस रास्ते से जो रामनगर वाला रास्ता है, रामनगर वाले से बस में आता था बचपन में, आता था जाता नहीं था, अब जाना पहली बार कर रहा हूँ मैं, मुझे पता नहीं है। तो गाइस हमारा लेफ़्ट टर्न आ गया है, यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले लें, जो कि मैं पहली बार लेफ़्ट टर्न लूँगा यहाँ से। इससे पहले मैं यहाँ से सीधा जाता था, इस बार मैं यहाँ से जाऊँगा। हम अभी आ चुके शायद अमरोहा में, यहाँ पे बाइक बहुत ज़्यादा मेरी हिल रही है एकदम, ये रोड भी थोड़ी मुझे सही नहीं लग रही है। यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ रोड है, ऊबड़ खाबड़ वाली गांव वाली रोड आ गई अब तो, वैसे ऊबड़ खाबड़ ही आएगा। ये देखो भैंस को कैसे लेके जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम गूगल ने मुझको ऐसा भटका दिया था ना, अभी एक छोटी सी पतली सी गली जहाँ से एक बाइक निकल रही हो, एक बाइक निकलने वाले रास्ते में दिखा रहा था गूगल रास्ता। मैं अंदर गया गली के अंदर, मुझे लगा यहाँ से होगा शॉर्टकट रास्ता, कोई शॉर्टकट रास्ता दिखा रहा बहुत देर से गूगल। जैसे ही मैं उस गली में गया, वो गली आगे जाके बंद, फिर दोबारा वापस आए, फिर थोड़ा पूछते पूछते अब ये रास्ता मिला है हमको। अच्छा रास्ता ये वाला भी, ये कांट वाला रास्ता है, ये भी अच्छा है। काशीपुर 43 सूरजनगर, चलो फाइनली काशीपुर भी पहुँच ही जाएंगे जल्दी, 40 किलोमीटर रह गए। तो अभी टाइम हो चुका है 11:39, अब अभी पहुँच चुके हैं काशीपुर में। और ये काशीपुर में कौन सी रोड है ये मुझे पता नहीं है, अभी उसी को पता करने के लिए हम थोड़ा आगे जाएंगे। पीछे लिखा तो था काशीपुर में आपका स्वागत है। से हमने लेफ्ट ले लिया है और देखें
कहाँ पहुँचते हैं, यहीं से दिखा रहा है वैसे तो मैप में भी, ये दिखा रहा है काशीपुर जंक्शन, और ये काशीपुर में अभी तक काम चल ही रहा है इसका। ये रोड तो बंद है, फिर भी हम यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यार जाने दो, रास्ता हो रखा है। थोड़ा सा चाय पानी पीते हैं बुआ के यहाँ, ये चलते हैं। वाह अरे वाह, मतलब कीर्तन के टाइम पे आ गए बुआ के घर में।